प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th में चैप्टर 1st तीसरा नंबर में एक्सरसाइज बी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई दैट ये हमको सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। प्रूव करेंगे इसको, पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर माइनस के 3/8 प्लस 7/8 प्लस 13/8। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट कब खुलता है? जब ब्रैकेट के अंदर संख्या 1 हो जाती है, ब्रैकेट हट जाता है, तो उसको 1 करेंगे हम। कैसे? पहले हम लेंगे इसका एलसीएम, 8 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को 1 टाइम होगा, 1 × 3 करेंगे 3 आएगा। लेकिन 8 से 8 को डिवाइड किया प्लस 1 आया, तो प्लस का करेंगे माइनस में मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ऐसे यहां प्लस था, यही तो 8 का 1 8 हो गया, 8 से डिवाइड किया हमने, 8 को 1 हो गया, 1 × 7 7 हो जाएगा प्लस 13/8 माइनस 3 प्लस 7 तो प्लस 4 आएगा अपॉन 8 प्लस ब्रैकेट हट गया, जैसे कि हमारी 1 हो गई तो ब्रैकेट हट गया ये प्लस के 13/8। दोबारा से इसका एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 8 बन जाए 8, 1 आया, 1 × 4 4 करेंगे प्लस 8 का 8 से डिवाइड 1 टाइम होगा, 1 13 13 हो गया, 4 + 13 होगा 17/8। ये मान आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अब निकालेंगे हम राइट हैंड साइड इक्वल टू माइनस के 3/8 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 7/8 प्लस 13/8 माइनस 3/8 प्लस ये ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 8 से 8 को डिवाइड किया हमने तो 1 आएगा और 1 × 7 करेंगे 7 आएगा प्लस 8 से 8 को डिवाइड किया 1 आया, 1 × 13 13 हो जाएगा माइनस के 3/8 प्लस 13 + 7 20 हो गया अपॉन 8। अब बैलेंस संख्या 1 हो गई तो हमारा बैलेंस हट गया है। अब दोबारा से एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 8 से 8 को डिवाइड किया 1 आया, 1 × 3 माइनस के 3 हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 8 से 8 को डिवाइड किया 1 आया, 1 × 20 20 हो गया इक्वल टू ये माइनस का 3 है और प्लस का 20 है तो क्या आया 17/8। हमने तो बॉन्ड लगाए थे, शायद याद होंगे तुम्हें, जब भी दो संख्याओं के सामने अलग अलग साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस होते हैं तो बड़ी संख्या हटा देते हैं और आंसर के सामने वही निशान आता है जो बड़ी संख्या के सामने है। यहाँ दोनों साइन अलग अलग हैं, एक माइनस का एक प्लस का, हटा देंगे, बड़ी संख्या 20 है, 20 − 3 17 आया, 20 के सामने साइन प्लस का है तो यह प्लस साइन हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड का मान आया हमारा 17/8 और राइट हैंड साइड का मान आया हमारा 17/8, दोनों बराबर है। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफोर इसको लिखेंगे दोबारा से माइनस के 3/8 ब्रैकेट के अंदर है प्लस 7/8 प्लस 13/8 इक्वल टू माइनस 3/8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 7/8 प्लस 13/8 यानी देंगे प्रूव्ड, क्योंकि दोनों मान बराबर आ रहे हैं हमारे, इसलिए ये मान जो हम बराबर आ गए इसलिए हमारा ये प्रूव हो गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, हम यहां लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माइनस के 20, जो भी साइड लेते हैं हम राइट में लेफ्ट में उसको इक्वल लिखना होता है, माइनस 20 प्लस 3/-5 प्लस −7/-10 माइनस के 20 प्लस ब्रैकेट में
ये माइनस फाइव है, ये माइनस टेन है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, माइनस का टेन आ गया समझो। अब माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे प्लस हो जाएगा, फाइव से टेन को डिवाइड करेंगे जैसे ये है माइनस का टेन डिवाइड बाय माइनस फाइव, माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव पंजा फाइव, फाइव का टेन तो टू आ गया प्लस का, और टू से करेंगे मल्टीप्लाई थ्री को, टू से सिक्स हो जाएगा, प्लस माइनस टेन से माइनस टेन डिवाइड करेंगे, माइनस टेन डिवाइड बाय माइनस टेन प्लस हो गया, ये तो ये वन हो गया, वन इंटू सेवन सेवन आएगा, लेकिन ये प्लस का है वन और ये माइनस का सेवन, तो प्लस वन इंटू माइनस सेवन तो क्या होगा माइनस सेवन आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, बराबर ले लेंगे क्योंकि छोटे भाग हमने माइनस सेवन को कर दिया, माइनस ट्वेंटी प्लस सिक्स डबल खोलेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन माइनस के टेन, माइनस ट्वेंटी प्लस यहां से क्या बचेगा, ये प्लस सिक्स का है, सेवन माइनस का है, साइन दोनों अलग अलग हैं, घटाएंगे बड़ी संख्या सेवन है हमारी तो वन आएगा, और सेवन है माइनस की तो माइनस सेवन माइनस वन आएगा अपॉन माइनस के टेन, माइनस में कट जाएगा, ये क्या हो गया माइनस के ट्वेंटी प्लस वन अपॉन टेन, इसका हम अपॉन वन मान लें और एलसीएम टेन आएगा, वन से डिवाइड करेंगे टेन को तो टेन आएगा, टेन इंटू ट्वेंटी करेंगे हो जाएगा टू हंड्रेड माइनस का प्लस, टेन से टेन को डिवाइड किया वन आया, वन इंटू वन करेंगे वन आ गया, माइनस टू हंड्रेड प्लस वन तो हो जाएगा माइनस के वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन अपॉन टेन, ये हो गया हमारा मान लेफ्ट हैंड साइड का। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड का मान, राइट हैंड साइड इक्वल टू इसको दोबारा लिखेंगे माइनस ट्वेंटी प्लस थ्री अपॉन माइनस फाइव प्लस माइनस सेवन अपॉन माइनस टेन, यहां से अपन फोन मान लेंगे एलसीएम माइनस फाइव आ जाएगा, वन से माइनस फाइव को डिवाइड करेंगे, माइनस फाइव को वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस के फाइव आएगा, इंटू माइनस ट्वेंटी करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव जो हंड्रेड हो गया तो हंड्रेड हमने यहां लिख दिया, प्लस माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे हम माइनस फाइव को, माइनस फाइव डिवाइड बाय माइनस फाइव से कट जाएगा वन आ गया प्लस का, वन इंटू थ्री करेंगे क्या आएगा थ्री आएगा, यहां में थ्री लिख दिया, प्लस इस माइनस से इस माइनस प्लस हो जाएगा सेवन अपॉन टेन, यहां क्या हो गया प्लस के हंड्रेड और प्लस के थ्री हो गया वन हंड्रेड थ्री अपॉन माइनस के फाइव, संख्या एक हो गई डबल हट गया, सेवन अपॉन टेन एलसीएम फिफ्टी फाइव और टेन का एलसीएम टेन आ गया, अब टेन को डिवाइड करेंगे माइनस फाइव से, टेन को डिवाइड किया माइनस फाइव से, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस आएगा, फाइव टू जा टेन माइनस टू हो गया, और माइनस टू को करेंगे मल्टीप्लाई वन हंड्रेड थ्री से क्या हो गया माइनस के टू हंड्रेड सिक्स, माइनस टू हंड्रेड सिक्स प्लस टेन से डिवाइड किया टेन को वन आएगा, और वन से करेंगे मल्टीप्लाई सेवन को सेवन हो जाएगा, अब माइनस टू हंड्रेड सिक्स और प्लस के सेवन दोनों साइन अलग अलग है घटाएंगे, बड़ी संख्या हमारी टू हंड्रेड सिक्स है इसमें घटाएंगे सेवन को क्या आएगा वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन, लेकिन टू हंड्रेड सिक्स माइनस का है तो माइनस साइन आएगा अपॉन टेन। अब लेफ्ट हैंड साइड का मान आया माइनस वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन अपॉन टेन, राइट हैंड साइड का मान आया माइनस वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन अपॉन टेन, दोनों मान बराबर है हमारे तो लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चाहो तो ये लाइन पूरी लिख दो दोबारा से नीचे इसके नीचे और लिख देना प्रूव्ड। अब अगर हम नहीं लिखें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर प्रूव्ड। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, गुड लाइफ फिल इन द ब्लैंक्स ए है इसका, हम क्या करेंगे यहां हम एक्स मान लेंगे, एक्स मान लिया पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा थर्टी आ जाएगा, फिफ्टीन और टेन का एलसीएम थर्टी आ गया,
50 से डिवाइड किया हमने 30 को, 2 टाइम होगा 2 × 7 14 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस आ जाएगा, माइनस के 14 प्लस 10 से डिवाइड किया 30 को, 3 आएगा 10 × 3 = 30 और सी से करेंगे मल्टीप्लाई 13 को तो 13 × 3 = 39 ये प्लस में आएगा इसका डिवाइड जैसे 10 upon 30 upon 10 ये कट गया प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3 करेंगे माइनस के 13 में तो होगा प्लस इंटू माइनस माइनस 39 इस तरह से हमारा माइनस के 39 आ गया इक्वल टू माइनस के 13 upon 10 प्लस एक्स ये इसका वैल्यू खोलेंगे पहले माइनस के 14 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 39 upon 30 इक्वल टू माइनस के 13 upon 10 प्लस एक्स माइनस माइनस दोनों से प्लस की है तो जोड़ देंगे जाएगा माइनस के 9 × 4 = 13 और 3 × 4 + 1 = 5 upon 30 इक्वल टू माइनस के 13 upon 10 प्लस एक्स क्लियर हो गया। हम इसको राइट साइड को लिख लेंगे लेफ्ट साइड में और लेफ्ट को लिख लेंगे राइट साइड में, जब साइड पूरी चेंज होती है साइन चेंज नहीं होता तो हो जाएगा माइनस के 13 upon 10 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस के 53 upon 30 इस संख्या को हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में साइन चेंज हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस के 53 upon 30 इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस की है प्लस की हो जाएगी प्लस की 13 upon 10 अब इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा 30 डिवाइड करेंगे 1 आएगा 1 × 53 माइनस का 53 है यही हमारा प्लस के 10 से डिवाइड करेंगे 30 को 3 आएगा और 13 × 3 = 39 इक्वल टू माइनस करेंगे तो आएगा 4 और यह 4 हो जाएगा 1 × 14 − 14 upon 30 अब हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 7 = 14 और 2 × 15 = 30 इक्वल टू माइनस के 7 upon 15 ये हमारा x का मान आ गया। x का मान जो यह खाली स्थान में आएगा वो आ जाएगा −7 upon 15 क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है एकदम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी −11 + −9 upon 12 इक्वल टू −9 upon 12 प्लस एक्स इसको हमने एक्स मान लिया खाली स्थान में क्या जाएगा −9 upon 12 प्लस एक्स इक्वल टू −11 + −9 upon 12 ये साइड राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट में ले आए और लेफ्ट हैंड साइड को हम ले गए राइट में ठीक है। अब इसका अपॉन मान लिया एलसीएम 12 आ गया 1 से 12 को 12 आएगा 12 × 11 तो 12 × 12 1 कैरी हो जाएगा और 12 × 1 = 12 प्लस 1 = 13 हो गया माइनस प्लस 12 से 12 को क्या डिवाइड 1 आएगा और 1 × 9 करेंगे तो 9 आएगा 1 आएगा प्लस का प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए हमने इसको रखा ब्रैकेट के अंदर माइनस के 132 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 12 इक्वल टू दोनों संख्या माइनस की है प्लस कर देंगे तो जाएगा 141 − 141 upon 12 अब ये हो गया माइनस के 9 upon 12 प्लस एक्स इक्वल टू −141 upon 12 ये आया। अब हम इसको 12 ट्रांसफर एक्स इक्वल टू −141 upon 12 ये माइनस का है यदि प्लस का हो जाएगा 9 upon 12 एलसीएम 12 आ जाएगा 12 डिवाइड किया 1 आएगा 1 × संख्या तो ये संख्या आ जाएगी 141 प्लस 12 किया 1 आया 1 × 9 हो जाएगा अब उसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 231 माइनस का अपॉन 12 132 upon 12 आ गया अब उसको काटेंगे 12 × 12 1 आया रिमाइंडर 12 2 नीचे और 12 × 12 का मतलब माइनस के 11
एक्स कॉमन हो गया माइनस 11, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो उम्मीद है समझ आया होगा एकदम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी, माइनस 25 प्लस 11 अपॉन 12 प्लस 7 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू माइनस के 25, ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस के 11 अपॉन 2 प्लस, या हमने x मान लिया खाली स्थान में, जैसे भी किया वैसे करेंगे, इस साइड को ले जाओ लेफ्ट में और लेफ्ट पैसा चला जाएगी राइट में, क्या हो जाएगा माइनस के 25 प्लस 11 अपॉन 12 2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस के 25 प्लस 11 अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन माइनस 4। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसका अपर बाउंड मान लेंगे अपॉन एलसीएम 2 आएगा, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, वन से डिवाइड किया हमने 2 को 2 आया और 25 को 50 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 11 हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू माइनस के 25 प्लस, इसका हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया हमने 4 को 2 आएगा और 2 इंटू 11 22 हो जाएगा, प्लस 4 से डिवाइड किया 4 को 1 आएगा, लेकिन माइनस है ये प्लस का है तो माइनस का 1 आएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 7। इनको ये माइनस का ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस के 39 अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस के 25 प्लस, डायरेक्ट खोलेंगे 22 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 4 माइनस के 39 अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस के 25 प्लस, ये प्लस का है माइनस का है, माइनस करेंगे आंसर प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है हमारी, तो हो जाएगा 15 अपॉन 4। अब क्या करेंगे, इसका अपॉन 1 मान लिया और एलसीएम लेंगे 4 आएगा, वैसे डाल क्या 4 आया, 4 इंटू 25 100 हो जाएगा, 25 4 100 माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा प्लस, 4 से डाल के 4 1 आया 1 इंटू 15 15 आएगा इक्वल टू 100 प्लस का है 100 माइनस का है प्लस का 15 है, क्या आएगा माइनस के 85 अपॉन 4। क्लियर हो गया? अब ये हमारा संख्या माइनस के 39 अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस के 85 अपॉन 4। अब माइनस के 29 अपॉन 3 को ट्रांसफर करेंगे माइनस 29 अपॉन 2 को ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 85 अपॉन 2 85 अपॉन 4, ये माइनस का है 39 अपॉन 2 ट्रांसफर करेंगे प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 39 अपॉन 2 एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आएगा, 1 इंटू 85 85 आएगा लेकिन माइनस का आएगा, प्लस 2 से 2 4 डिवाइड किया 2 से 4 को 2 आया, 2 इंटू 39 हो जाएगा 2 8 2 9 18 1 2 3 6 1 7 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 85 से 78 को तो माइनस का 7 अपॉन 4, ये हो गया हमारा एक्स का मान। तो यहां खाली स्थान में आ जाएगा माइनस 7 अपॉन 4। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है एकदम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी, 18 अपॉन माइनस 13 प्लस डब्ल्यू अंदर है माइनस के 5 अपॉन 11 प्लस माइनस 6 अपॉन 7 इक्वल टू 18 अपॉन माइनस के 13 प्लस, खाली जगह है और प्लस का है
-6/7। यहां हम खाली स्थान में क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लें या इसको ट्रांसफर कर लें, कैसे भी कर लो बातें की है, मान हम यही सॉल्व कर लें। दोनों तरीके से आना चाहिए तुमको, पहले इसको सॉल्व कर लो बाद में ट्रांसफर कर लेना, या पहले ट्रांसफर कर लो बाद में सॉल्व कर लेना। दोनों मेथड से हमको आना चाहिए, दोनों से बता रहा हूं मैं। तो यह आएगा -18/-13 प्लस इनका एलसीएम क्या आएगा 11/7 का 77। इसी तरह करेंगे 7 आएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा माइनस का प्लस। 7 से करेंगे 11 आएगा, 11 × 6 माइनस के 66 हो जाएगा। इक्वल टू 18/-13 प्लस, हम इसको उसके पास ले लेते हैं, इसको पीछे ले देंगे -6/7 प्लस एक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब एक ही साइड में हम संख्या को आगे पीछे कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कोई साइन चेंज होता है। साइन चेंज होता है जब जब राइट से लेफ्ट ले जाएं या लेफ्ट से राइट ले जाएं। हम लेफ्ट में ही आगे पीछे कर रहे हैं या राइट में आगे पीछे कर रहे हैं, तो हमारा जैसे हम लेफ्ट में इस संख्या को आगे पीछे करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट में आगे पीछे करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 18/-13 प्लस ये प्लस ये प्लस, डबल खोलेंगे -35 प्लस −(-) हो जाएगा 66/77 इक्वल टू, यहां इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 13 और 7 का एलसीएम आएगा 91। 13 से हमने डिवाइड किया 91 को तो आएगा 7, ये माइनस से प्लस है -7 आएगा, -7 × 18 18 × 7 = 126 माइनस का आ गया प्लस 7 डॉट गया इसको आया 13 × माइनस का आएगा नहीं, इन दोनों का एलसीएम लिया 91 आया। 13 से डिवाइड करेंगे हम 91 को, जैसे 91/-13 क्या हो जाएगा प्लस डॉट माइनस माइनस आएगा और 13 × 7 = 91। अब ये -7 आ गया तो -7 में करेंगे मल्टीप्लाई 18 से, तो हो जाएगा -(+) माइनस हो गया 126 प्लस 7 से डॉट किया हमने 91 को, 91/7 तो जाएगा 7 × 7 और 7 × 3 = 21। 13 से डॉट करेंगे हम 6 को, −6 है तो +(−) हो जाएगा और 13 × 6 = 78 माइनस के 78 बैकबन कर दिया प्लस के एक्स, ठीक है। अब 18/-13 प्लस बैकेट खोलेंगे तो माइनस का 6 × 5 = 11 और 6 × 3 = 9 + 1 = 10/77 इक्वल टू, ये हो जाएगा। बैकेट खोलेंगे माइनस के 126 +(−) हो गया 78/91 प्लस 6। अब 18/-13 प्लस −(101/77 इक्वल टू, ये दो साइन माइनस माइनस के हैं समझाएं, प्लस कर देंगे 8 और 6 = 14 7 × 9 + 1 = 10 हो जाएगा और 1 और 1 = 2 हो जाएगा −204/91 प्लस 6। हम इसको उधर ले आए, उसको उधर ले जाए क्या हो जाएगा −204/91 प्लस एक्स इक्वल टू, ये इधर जाएगी 18/-13 प्लस −(101/77। अब इसको ट्रांसफर करेंगे हम क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 18/-13 प्लस −(101/77
और ये प्लस माइनस का है, ट्रांसफर होगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 204 अपॉन 91। क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 अपॉन माइनस के 13 प्लस 204 अपॉन 91 प्लस माइनस 101 अपॉन 77। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, 91 आएगा, माइनस से हम प्लस को डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, 13 से डाल के 91 को, तो 13 7 91 और 7 का डिवाइड हम 18 में क्या हो जाएगा 126 माइनस का प्लस, इससे डाल करेंगे इसको 1 आएगा, 1 × 204 तो 204 हो जाएगा प्लस का ही, प्लस माइनस 101 अपॉन 77 इक्वल टू, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस करेंगे, 204 में से 106 माइनस करेंगे, 204 में से 126 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 8 या 9 7 78 आया प्लस का, 78 अपॉन 91 प्लस माइनस 101 अपॉन 77 ये हो गया। अब 91 और 77 का एलसीएम निकालेंगे, 91 और 77 का 7 से करेंगे डिवाइड, 13 टाइम होगा और 11 टाइम होगा, 11 13 1 आ गया और 13 करेंगे 1 एंड 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 11 × 13 ये हमारा एलसीएम आ गया, 7 × 11 × 13। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 7 3 91 91 हमारा ये है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इससे 91 से 7 और ये कट जाएगा 13 क्या बचेगा 11 11 से करेंगे मल्टीप्लाई हम 78 को, 78 को करेंगे हम 11 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 11 8 88 8 के लिए हो जाएगा और 11 7 77 ये हो जाएगा 85 तो 858 प्लस, इसे इसको डाल करेंगे तो 11 × 7 77 हो गया, 77 कट जाएगा बचा 13 से करेंगे उसको मल्टीप्लाई माइनस है ये 13 बन जा 13 आएगा और 13 बन जा 13 हो गया, ये हो गया हमारा माइनस 1313। अब ब्रैकेट खोलेंगे क्या हो जाएगा 858 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1313 अपॉन 7 × 11 × 13 यहां कर रहे हैं हम, ये प्लस का है माइनस का है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1313 में से माइनस करेंगे 858 क्या हो जाएगा 5 आया 0 5 हो गया 12 4 हो गया तो हो गया 455 माइनस का ये 1313 तो क्या आएगा हमारा माइनस के 455 अपॉन 7 × 11 × 13 अब सात से काटेंगे 7 × 7 और 7 × 42 3 × 4 7 × 35 और 13 से काटेंगे 13 × 13 13 × 65 क्या हो गया माइनस के 5/11 ये हो गया हमारा एक्स का मान क्लियर। मुझे उम्मीद है लंबा थोड़ा क्वेश्चन है ये लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर ई, टू अपॉन माइनस के थ्री प्लस खाली स्थान इक्वल टू, खाली स्थान है प्लस टू अपॉन माइनस के थ्री इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री। यहां से यहां तक ये प्लस हो गया, एक संख्या हो गई, यहां से यहां तक एक संख्या हो गई, ये अलग हो गया, यहां से यहां तक इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। पहले हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको ले लेते हैं, यहां हमने x मान लिया और यहां हमने y मान लिया, तो पहले हम इसको और इसको लेंगे क्योंकि ये आपस में बराबर थी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हमने इसको और इसको ले लिया, क्या हो जाएगा टू अपॉन माइनस के थ्री प्लस एक्स इक्वल टू माइनस के टू अपॉन थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस के टू अपॉन थ्री, इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा टू अपॉन थ्री, ये माइनस का ये प्लस का कट के जीरो हो जाएगा, या ऐसे कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लिया हमने थ्री आया, माइनस के टू और प्लस का टू, तभी कट के जीरो हो जाएगा, जैसे एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम इसको और इसको ले लेते हैं, वाई प्लस टू अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू माइनस के टू अपॉन थ्री, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टू अपॉन थ्री, ट्रांसफर करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा ये, और इसको हम ऐसे लिखेंगे टू अपॉन माइनस थ्री, क्या हो गया माइनस के टू अपॉन थ्री, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये टू अपॉन थ्री, ये दोनों बराबर है लेकिन साइन अलग अलग है, ये जीरो हो गया, अर्थात एक्स का मान भी यहाँ जीरो आएगा और वाई का मान भी जीरो आएगा, कहने का मतलब यहां भी जीरो आएगा और यहां भी जीरो आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ये उम्मीद है एकदम समझ आया होगा। एफ माइनस फोर अपॉन माइनस फाइव प्लस खाली स्थान है इक्वल टू, फिर खाली स्थान है प्लस माइनस फोर अपॉन माइनस फाइव इक्वल टू फोर अपॉन फाइव, ऐसे ये है यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से एक है और यहां से अलग है, कहने का मतलब ये पोर्शन साइन लगाए बीच में इक्वल टू का, तो तीनों पोर्शन आपस में बराबर है। हमने पहले यहां एक्स मान लिया और यहां हमने वाई मान लिया, हमने इसको और इसको लिया, तो माइनस के फोर अपॉन माइनस के फाइव प्लस एक्स इक्वल टू फोर अपॉन फाइव, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या हो गया एक्स फोर अपॉन फाइव प्लस एक्स इक्वल टू फोर अपॉन फाइव, देयरफॉर एक्स इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव, जो ट्रांसफर करेंगे प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस के फोर पॉइंट फाइव, इसे कट जाएगा बराबर जीरो। क्लियर, ऐसे ही आप इसको और इसको ले लेंगे, वाई प्लस माइनस फोर अपॉन माइनस फाइव इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव, माइनस कट जाएगा तो वाई इक्वल टू वाई प्लस फोर पॉइंट फाइव इक्वल टू हो गया फोर पॉइंट फाइव, देयरफॉर वाई इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव, इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस के फोर पॉइंट फाइव, ये दोनों बराबर है कट जाएगा, तो वाई का मान हमारा जीरो आ गया, वाई बराबर जीरो हो गया, इसीलिए एक्स बराबर जीरो हो गया और वाई का बराबर भी जीरो हो गया, कहने का मतलब यहां खाली स्थान में भी जीरो आएगा और यहां खाली स्थान में भी जीरो आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसका आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।